लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे बाबू की दादी माँ ने हमें कितने प्यार से बुलाया है जाना तो होगा ही ना दादी माँ ने उस नौकरानी को मेरे फंक्शन में इनवाइट कर लिया मम्मी जी के हुक्म की भी परवाह नहीं की उन्होंने कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बहुत जल्द हम लोग उस नौकरानी के सामने पानी भरेंगे उसके सामने सर झुकाकर हाजी हाजी कर रहे होंगे नहीं बड़ी बहू तुम फोन ट्राई करो फोन ट्राई करते रहो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा हथियार भाभी जी ही है समझी ना राधिका तुम इतनी उदास क्यों खड़ी हो देव ने तुम्हारे साथ बात नहीं की इसलिए ना बहुत तंग करता है देव तुम्हें अब देखते हैं राधिका देव को कैसे तंग करती है ना अगर देव तुझे सचमुच में प्यार करता है ना तो इस घूंघट में भी तुझे ढूंढ निकालेगा चल आजा आजा जल्दी आ अरे आप यहाँ कहाँ अकेले खड़े अरे चलिए अंदर स्पेशल डांडिया शुरू होने वाला है तू जा बिरजू मेरा मन नहीं है आइए ना भाई कितनी मनुहार करवाते चलिए अरे जीजा जी मुझे जीजा जी से मिलना जाऊं अरे नहीं बेटा अभी डांडिया शुरू होने वाला है अभी जाओगे तो भीड़ में खो जाओगे थोड़ी देर बाद मिल लेना ठीक है विवेक भैया आपने इन्हें देखा डांडिया शुरू होने वाला है हमें इनके साथ डांडिया खेलना था अरे यही कहीं होगा एक सेकंड पति थे यहाँ देख रहे हैं देख लें मैं भी तो देख रही हूँ इतने सालों से अपना हाथ किसी और के हाथों में जाते हैं वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा पति अपाहिज है व्हाटएवर इट इज आज मैं जी भर कर नाचूंगी लेट्स गो भौजी यहाँ खड़े खड़े स्टेज को काहे घूरे जा रहे हैं टूट जाएगा तो चलिए चलिए डांडिया करते हैं चलिए 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 भाई आते हैं भैया हम चांद आया है जमीन पे आज गरबे की रात में छुपा है वो यही कहीं पे आज गरबे की रात में अरे ढूंढो ढूंढो रे शर्मा रहा है वो कुछ तो बात है जो आया वो अरे ढूंढो ढूंढो रे शर्मा रहा है वो कुछ तो बात है
एक जल्दी आ जाए क्योंकि इस डांडिये को अब ड्रामे की सख्त जरूरत है। मुझे पता था कान्हा से उसकी राधा को आज तक कोई छुपा पाया है। तो मैं देव से उसकी राधिका को छुपा लेती। ए भैया, कैसा लगा दादी माँ के सरप्राइज? थैंक यू दादी माँ, मैं जानता हूँ आपने ये सब कुछ मेरी खुशी के लिए किया। बिरजू, जा तो उस ऑर्केस्ट्रा वाले को बोल कि कोई बढ़िया सा गाना लगाए, मेरे देव और राधिका ने अभी तक नाचा ही कहा है। बड़ी बहू का हुआ, फोनवा लगा कि नहीं? मम्मी जी की कोई खबर नहीं। पहले फोन अनरीचेबल था और आप बेल बज रही है तो फोन ही नहीं उठा रही। ये फोनवा चीज ही ऐसी है, एन मौके पर दगा दे जाता है।
वैसे मृणालिनी भाभी, आपने ताई जी को इस डांडिया पार्टी के बारे में बताया था ना? हाँ, लेकिन उन्हें टाइम पर आना तो चाहिए था। राधिका के जाने के बाद आई तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। मजा तो तब आएगा जब वो सही वक्त पर आए और खुद देखे कि उनके बेटे ने उनके ऑर्डर को कैसे ओवररूल कर दिया। दीपिका, मम्मी जी का फोन नहीं उठा रही हैं अपना, नहीं आइडिया? क्या बात है जीजी, कोई जरूरी काम था? नहीं दीपिका, कोई जरूरी काम नहीं था, गेस्ट पूछ रहे थे इसीलिए पूछ लिया, आप जवाब दोगी? दादी माँ कह रही थी कि वो एयरपोर्ट गई हैं, उनकी बहुत अच्छी सहेली आने वाली है ना, सीधे घर ही जाएंगी, यहाँ नहीं आएंगी। थैंक यू। खाना तो खा ही लिया होगा? देव बाबू, मैं कब से आपसे मिलना चाह रही थी, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था कि मिल ही नहीं पा रही थी। और हमारे देवर जी भी कहाँ होश में थे, कितने सारे लोग इनसे मिलना चाह रहे थे लेकिन कोई मिल नहीं पाया, क्योंकि ये तो राधिका के ही ख्यालों में खोए हुए थे। नंदू भी बहुत बेचैन है आपसे मिलने के लिए। अच्छा, नंदू भी आया है, कहाँ है वो? अभी अभी तो यही था, शायद बिरजू जी के साथ कहीं गया हुआ है। अच्छा माँ जी, चलिए, दादी माँ ने कहा था आपको वर्मा जी से मिलवा लाएं, चलिए। राधिका, चलो तुम भी। ले नंदू आ गया, ले मिल लो भैया अपने जीजा जी से। जीजा जी, कैसे हो नंदू? मैं अच्छा हूँ, पर आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो। क्यों, मैंने क्या किया? अच्छा, लगता है तुम्हें तुम्हारे पसंद की आइसक्रीम नहीं मिली, इसलिए तुम ऐसे कह रहे हो, है ना? आइसक्रीम तो अच्छी थी। तो फिर मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आप दीदी को तंग करते हो। दीदी को? दीदी को मैंने कब तंग किया नंदू? अच्छा, ये तंग करना नहीं है, यहाँ दीदी आई और आप उनसे कितनी देर नहीं मिले। ये गलती की है मैंने, सॉरी, और तो कुछ नहीं किया ना। और पहले भी आपने शादी करके दीदी को तंग किया था। नंदू, इस बारे में क्या समझाऊं मैं तुझे? मैं सब समझता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। पहले एक बार शादी की, अब दोबारा शादी कर रहे हैं मेरी दीदी से। जीजा जी, आप छोड़ दोगे मेरी दीदी को? जैसे पहले शादी में आपने किया था। बात कर रहा है ये बच्चा, है क्या बोल रहा है बेटा? मैं कह रहा हूँ कि जीजा जी दोबारा शादी क्यों कर रहे हैं? जब पहली बार उन्होंने शादी कर ली। नंदू, बच्चे इस तरह की बातें नहीं करते। एक मिनट, अरे पता तो चले बच्चा बोलना का चाहता है। वो ये सोच रहा है कि इसके जीजा जी ने एक शादी इसकी एक दीदी से की और दूसरी। नंदू बेटा,
बड़ों के सामने बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। चलो जाओ यहाँ से। पर मुझे जीजा जी से बात करनी है। नंदू मैंने कहा ना। राधिका। हाँ माँ। पिटिया इसे यहाँ से लेकर जाओ। चलो नंदू, जो भी पूछना है मुझसे पूछो। अरे काहे लेकर जा रहे हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। वो बालक भगवान सोच रहा है कि उसकी एक दीदी ने जिसके साथ शादी की है, दूसरी दीदी उसके साथ शादी काहे कर रही है। एग्जैक्टली चाचा जी, उस बच्चे को तो यही लग रहा है ना कि उसकी दीदी एक ऐसे आदमी से शादी करने जा रही है जो पहले से ही शादीशुदा है। बच्चे को क्या मालूम, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब भैया बंसी भतीजा की कृपा दृष्टि से हम तो दूसरे के मामले में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं कर रहे, लेकिन एक बात देखने वाली है, वो बच्चा सब कुछ समझ रहा है जो हम बड़े जानकर भी नहीं समझ रहे हैं। एक मिनट बड़ी बहू, कहीं ऐसा तो नहीं ये बच्चा कुछ और कहना चाहता है जो हम भी नहीं समझ पा रहे हों? ये क्या हुआ? सच तो यही है ना बिरजू, जो नंदू ने अभी अभी कहा, सच तो यही है ना कि राधिका हमेशा मेरी दूसरी पत्नी कहलाएगी, मैं हमेशा खुद की खुशी के बारे में सोचता, मेरे लिए बस इतना ही काफी कि मैं उससे प्यार करता हूं और वो मुझसे, पर दुनिया की नजरों में तो सच यही है जो सबको दिख रहा है कि मैं एक तलाकशुदा आदमी हूं। मेरी ये दूसरी शादी राधिका की पहली, मैंने उससे ये तो जरूर पूछा था कि वो मुझसे विवाह करेगी या नहीं, पर मैंने उससे ये नहीं पूछा कि मेरी दूसरी पत्नी कहलाना उसे कैसा लगेगा। भैया वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और जो प्रेम करते हैं वो ये सब नहीं सोचते। नहीं सोचने से क्या हो जाएगा बिरजू, पूछना तो मेरा धर्म है ना। पानी पिएगी पिटिया? नहीं माँ। ये कब सोया? बस कुछ ही देर पहले, मैंने इसे समझा दिया है। अच्छा किया बिटिया, तू जानती है ना कि अगर असलियत सबके सामने आ गई तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये जानने के बाद कि हमने इतना बड़ा विश्वासघात किया है, पुरोहित परिवार तुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। पिटिया, हमें ये बात तेरे बाबूजी और बाकी सबसे छुपाकर रखनी ही होगी। बस कुछ ही दिनों की बात है बिटिया, फिर तो समाज की दृष्टि में भी तू देव बाबू की पत्नी हो जाएगी।